आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम फिर से सेरिकल्चर के मंच पर हैं और सेरिकल्चर की तकनीकी जानकारियों के लिए, और मेरे साथ बने हुए हैं तकनीकी विशेषज्ञ श्री रोमिल जी। और हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आज अगर आप थोड़ा सा इस वीडियो में देख पा रहे होंगे तो इस समय हम जहां पर हैं वहां पर बूंदाबांदी सी हो रही है, बहुत हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, और जो आज की चर्चा है वो इस बारिश से ही संबंधित कुछ है। मेरे और हमसे जुड़े हुए ऐसे कीट पालक जो कि सहतूती रेशम का उत्पादन करते हैं, उन्हें कीट पालन के समय पर अक्सर ऐसी कोई समस्या आ जाती होगी जो इस बारिश से रिलेटेड है। मतलब कि सहतूत की पत्तियां तो उसे अपने कीड़े को खिलानी ही है, क्योंकि वही भोज्य पदार्थ है और उसी को खा करके वो अपनी ग्रोथ लेगा, बड़ा होगा और सिल्क ग्लैंड यानी कि रेशम की ग्रंथि को बड़ा करेगा और उसके बाद रेशम का उत्पादन करेगा। लेकिन ऐसे बारिश वाले मौसम में जब लगातार बारिश होती है तो उस समय क्या वो उन गीली पत्तियों को, क्या उसे उस कीड़े को खिलाना चाहिए, और खिलाएगा तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, और नहीं की स्थिति में कि गीली पत्तियां तो हैं तो उस स्थिति में वो क्या करेगा। यही सब जानकारियों के लिए मैं रोमिल जी से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे किसानों को इस बात से अवगत कराएं कि उन्हें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि इस वक्त जिस समय हम यहाँ जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, और यही समय इस समय की रेशम का कीट पालन भी चल रहा है। जो रेशम कीट है वो पंचम अवस्था में है, और ये बारिश, देखिए बारिश हमारे हाथ में नहीं है। बारिश एक प्राकृतिक रूप से वर्षा होती है, जिसमें कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसी सावधानियाँ जरूर बरतनी चाहिए जो कि बारिश के मौसम में भी हम सफलतापूर्वक कीट पालन कर सकें। होता यह है कि रेशम कीट पालन भवन के अंदर तो हम उस तरह की माहौल को बना लेते हैं, हम रैक और ट्रे जो भी उचित है उस तरीके से रख लेते हैं, अपने अपनी साफ सफाई भी कर लेते हैं, विशुद्धिकरण भी कर लेते हैं, लेकिन जो रेशम कीट का भोज्य है जो कि हमें बाहर से लाना पड़ता है, बाहर के पेड़ों से लाना पड़ता है, अपने खेतों से लाना पड़ता है, तो अगर बाहर बारिश हो रही होगी तो मानी बात है कि वो पत्तियाँ उसमें गीली हो जाएंगी, और जब हम उन गीली पत्तियों को ला के सीधे कीड़ों को खिला देंगे तो अगर तो उससे होगा क्या कि एक तो गीली पत्ती खाने से कीड़े में बीमारी की संभावना होती है, और चूंकि वर्तमान में ये मानसून का सीजन है इसमें वैसे भी ज़्यादा संभावना होती है कि जहाँ नम जगह होती है वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस जल्दी पनप जाते हैं, तो ऐसे में अगर गीली पत्तियाँ हम खिलाएंगे एक तो खिलाने से दिक्कत आएगी कीड़े में, दूसरा क्योंकि हम ट्रे में कीट पालन करते हैं बहुत सीमित जगह होती है, उसमें उस जगह पर अगर गीली पत्तियों से जो नमी होगी और उसी ट्रे में उस कीड़े की गंदगी लिटर होगा, जो पुरानी पत्तियां बची हुई होंगी, तो एक तरीके से उस पूरी ट्रे में नमी अत्यधिक बढ़ जाएगी, और ऐसी स्थिति में कीड़े के लिए बहुत जो ये विपरीत परिस्थिति हो जाएगी, और धीरे धीरे अगर ये स्थिति लगातार बनी रहेगी तो उसमें बीमारी आने की संभावना होगी जिससे कीट पालन बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। मतलब कि वो गीली पत्तियां खिलाएगा तो उसे, रोमी जी ने बताया कि किस प्रकार से उसमें बीमारी हो सकती है। अब आपने बताया कि मानसून का जैसे वर्तमान में सीजन है, मैं बता देना चाहूंगा कि वर्तमान समय जिस समय हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, वो तो मानसून जाते हुए मानसून का सीजन है जरूर, लेकिन अन्य कीट पालन के सीजन में भी जिस समय बारिश यदि कीट पालन के समय पर हो जाती है तो तब भी इसी प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो तब भी रोमिल जी हमें ऐसा ही, जी हाँ, और जो भी सीजन है, जिस सीजन में भी रेशम कीट अगर पल रहा है तो अगर हम गीली पत्तियों का उपयोग करेंगे तो यही परिस्थितियां बनेंगी। इस समय संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है क्योंकि वैसे भी वातावरण में नमी ज्यादा है, और अगर पत्ती भी गीली आ गई है तो वो जो ट्रे में या जब हम कीड़ों को खिला रहे हैं वहां पर नमी का वातावरण बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जो कीड़ों में बीमारी आने की संभावना हाँ, ज्यादा हम रहेगी। जानते हैं कि जो नमी है वो हमेशा बीमारी का कारण, मतलब वो कीटाणु, जिन्हें हम एक देसी लैंग्वेज में हम कहें जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि फफूंद हो सकती है या कोई वायरस हो सकता है या बैक्टीरिया हो सकता है, तो उनसे जो भी बीमारियां आने वाली हैं वो नमी में ज्यादा डेवलप करती हैं, ज्यादा ग्रोथ करती हैं, वो नमी उनके लिए ज्यादा फेवरेबल और अच्छी होती है, तो उसमें बीमारी का कारण बन सकती हैं। अब यदि बारिश हो ही गई है और भाई जो पेड़ है वो तो हमारा खुले में ही होगा ना, तो जब पेड़ खुले में ही होगा तो बारिश से वो कैसे बचेगा, और ऐसा संभव भी नहीं है कि हम एक एक पेड़ के ऊपर जाकर के छाता लगा दें और वो बारिश से बच जाए और हमारी पत्तियां सूखी रहें, तो लानी तो गीली ही पत्तियां होंगी। तो मेरा अपने साथी रोमिल जी से अनुरोध होगा कि जब हम बाहर बारिश से उस पेड़ को तो नहीं बचा पा रहे हैं और ला तो गीली ही पत्ती रहे हैं, तो हम कैसे उस समय, मान लिया कि 2 दिन तक 3 दिन तक बारिश हो रही है, क्या करें हम ऐसी स्थिति में। देखिए आजकल का समय सूचना का युग है, और हर हमारे किसान बंधु भी अपने मोबाइल के माध्यम से या जो भी दूसरे माध्यम है संचार के, जो हमें तरह तरह की सूचना उपलब्ध कराते हैं, उनके माध्यम से हमें
काफी समय पूर्व भी पता चल जाता है कि आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा। अगर बारिश का मौसम है तो उसकी सूचना हमें प्राप्त हो जाती है। तो एक तो किसान भाइयों को इस तरह से सतर्क रहना पड़ेगा कि जब भी इस तरह का अलर्ट या इस तरह की सूचना प्राप्त होती है तो अपनी वो एक तरह से प्लानिंग कर लें। प्लानिंग में करना क्या है, देखिए बाहर बारिश तो हो ही रही होगी, लेकिन अगर बारिश की सूचना है और इस तरह का मौसम बन रहा है तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि वो जब भी मौसम खुला रहता है या अभी बारिश नहीं हुई है तो वो कम से कम 2 या 3 फीडिंग की पत्तियां जो कि बल्क में यानी कि अधिक मात्रा में तोड़ के, और चूंकि वो कीट पालन कक्ष जो कि उनके पास होता है उसमें काफी जगह भी होती है, एक पत्ती भंडारण के लिए भी उनके पास जगह होती है, तो वहां पर वो उसको टाट के कपड़े में या जो उनके पास लीफ चैम्बर है या जो भी दूसरी चीजें हैं जहाँ पर वो अपनी पत्तियां सुरक्षित रखते हैं वहां पर वो पत्तियों को अधिक मात्रा में लेके उनको लपेट कर उसको ज्यादा समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे कि अगर बारिश बाहर हो भी रही है तो उनके पास उतनी पत्ती वहां पे स्टोर रहे जिससे कि वो आने वाले 2-3 फीडिंगों को आसानी से कर सके। और अगर ये है कि मान लीजिए बारिश एकदम से हो जाती है रात के तो समय यहाँ बारिश, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने बताया कि हमारा सूचना का युग है आजकल, और हमें पता चल जाता है, पहले से अलर्ट जारी हो जाता है कि बारिश बहुत तेज होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में करीब 10-12 घंटे पहले भी हम पत्तियां तोड़ करके उससे आगे उस 10-12 घंटे तक अलग अलग फीडिंग के टाइम पर उन्हें खिला सकते जी हैं, हाँ जी हाँ बिल्कुल और बिल्कुल उस समय जो है उन पत्तियों की जो नेचुरल नमी है वो मेंटेन रखने के लिए आपका कहना है कि उसको टाट में लपेट करके हम रख सकते हैं, या फिर लीफ चैम्बर हमारे पास यदि है, हो सकता है कई किसानों के पास लीफ चैम्बर ना हो, तो उस स्थिति में वो टाट में लपेट करके अगर जी उसे हाँ, रखेंगे। ये इससे क्या होगा कि पत्तियां जो लंबे समय तक उसमें नमी बने रहेगी, लेकिन जो क्योंकि नेचुरल नमी है यह उसकी। नेचुरल नमी है, लेकिन जब भी अगर हम कोई बारिश के समय हमें पत्ती काटने की जरूरत पड़ रही है तो हमें करना क्या चाहिए कि हमें उस पेड़ की जो हमारे खेतों में पेड़ लगे हैं उसकी हमें टहनियां काट लेनी चाहिए। उससे एक चीज क्या होगी कि टहनियों में जो पत्तियां होंगी वो ज्यादा समय तक नम बनी रहेंगी, ताजी बनी रहेंगी, और उन पत्तियों को उन टहनियों को हम अपने कीट पालन कक्ष में या जहां पर भी हम कीट पालन करें वहां पर लाके उनको धागे में उल्टा लटका के लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, और धीरे धीरे उसमें से पत्तियां यूज करके और उनको फिर अपने सामान्य से माध्यमों से हम उनको सुखा सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास पुराने धोतियां हैं जो कॉटन की धोतियां हैं उनको बिछा के उनमें पत्तियों को तोड़ कर अगर रखेंगे ऊपर से ढक देंगे या अखबार का या किसी कागज का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा कि कुछ समय बाद पत्तियों की नमी कम हो जाएगी और जो सामान्य तौर से नमी होनी चाहिए वही पत्तियों में रहेगी, और फिर उन पत्तियों का उपयोग जैसा कि हम कीट पालन में भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं ऐसा कर सकते हैं। और जो टहनियां में जो पत्ती रहेंगी क्योंकि वो टहनियों के साथ पत्तियां हैं तो वो एकदम से सूखेंगी भी नहीं, लंबे समय तक यानी कि 3-4 फीडिंग तक वो उसमें नमी बनी रहेगी और उनको उसी तरह से धीरे धीरे तोड़ते हुए हम उसका कीट पालन के भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और हमारे पास जब वो बारिश मान लिया कि 2-3 दिन तक हो रही है, तो उस स्थिति में हम, आपने जैसे कहा, इस प्रकार के सुखा करके। जी हाँ बिल्कुल, सुखाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर सुखाएंगे नहीं तो जैसा मैंने कहा कि ट्रे में और भी दूसरी गंदगी पड़ी हुई है या दूसरी पुरानी पत्तियां पड़ी हुई हैं उसका लीटर पड़ा हुआ है तो वो सब चीजें नमी की अधिकता में एक तरह से कीटाणु या विषाणु को पनपने का बहुत अच्छा माध्यम हो जाता है, तो फिर वो कीट पालन प्रभावित हो सकता है। तो इसका तात्पर्य और अर्थ निकल करके आता है कि अक्सर तो ऐसा होता है कि जो बारिश आती है वो कुछ घंटों बाद फिर बंद हो जाती है। तो कुछ घंटों बाद बंद हो जाने की स्थिति में तो आपने बहुत ही बेहतर तरीका बताया, उस समय तो हमें गीली पत्ती तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, हम सूचना के तंत्र में पहले से जानकारी मिल जा रही है, और ऐसा पता चलने पर कि बारिश होने वाली है हम पहले से ही उतने समय पहले पत्ती तोड़ के रख लेंगे। लेकिन यदा कदा जब ऐसा हो जाता है कि बारिश 2-3 दिन के लिए हो जाती है, तो उस स्थिति में भी रोमिल जी के द्वारा बताई हुई चीजों का हम उपयोग करेंगे। और ये है बहुत छोटी सी चीज, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे किसान भाइयों को ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना ही होगा कि किसी भी स्थिति में उन्हें गीली पत्ती नहीं खिलाएंगे। यहाँ पे मैं एक चीज और थोड़ा बताना चाहूंगा कि चाहे हम इस तरह की उपयोग करते भी हैं लेकिन एक सावधानी हमें या एक कार्य हमें और कर लेना है कि हमें जो हमारा बेड है उसमें निरंतर चूने का उपयोग भी करते रहना है, क्योंकि अगर वातावरण में नमी है और अगर हमने इस तरह की पत्तियां जो कि हमने सुखाई हैं तो हो सकता है कि उसमें थोड़ी नमी की मात्रा हो ज्यादा, तो ऐसी स्थिति में बेड में बहुत ज्यादा नमी ना बने, इसलिए हमें उस बेड को एक तो लगातार सफाई करते रहना है जिसमें कि वो वेस्ट मटेरियल ना बचा रहे, नमी कम बने, और उसके बाद हल्का हल्का चूना भी हमें उस बेड में कीड़ों के ऊपर कर लेना है, या अगर बहुत ज्यादा नमी हो रही है लगातार बारिश हो रही है तो एक थाली में या एक तस्तरी में या एक ट्रे में हम थोड़ा सा चूना रख के उस कीट पालन रैक के नीचे भी रख सकते हैं, जो कि वो जो अतिरिक्त नमी है जो कि बरसात के मौसम में हो गई है या पत्तियों के गीली पत्तियों के कारण अगर उसी कमरे में स्टोर करा है तो उसके कारण हो रही है तो उस नमी को भी वो सोख ले, तो इस तरह के प्रयोग भी किसान भाई अगर इस तरह के कार्य भी करेंगे तो भी उनका कीट पालन अच्छा हो सकेगा। मैं समझता हूँ आप लोगों को बहुत सारी बातें इसमें समझ में आ गई होंगी,
नहीं समझ में आई है तो दोबारा वापस जाइए और वीडियो को दोबारा से चलाइए और दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन उसे फॉलो जरूर कीजिए अगर आप बहुत अच्छा उत्पादन करना चाहते हैं। तो हमारी दिली इच्छा और पूरी कोशिश है कि हमारे किसान भाई बहुत अच्छा उत्पादन करें और करके अपनी आय को ऊपर स्तर पर ले जाएं और एक अच्छा जीवन गुणवत्तापूर्ण जिए। मैं अपने साथ जुड़े रोमिल जी का भी तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं और साथ ही अपने सभी किसान भाइयों को आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।